नमस्कार, आपका आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज का टॉपिक है माइकोराइजा टाइप्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट, है ना। जिसमें हम माइकोराइजा क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कवक मूल, इसके प्रकार और इसके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट के बारे में आज स्टडी करेंगे। जिसमें हम जो माइकोराइजा या फिर कवक मूल जो होती है, इसके विभिन्न भागों को उनके विभिन्न पॉइंट के आधार पर डील करेंगे। जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होती है, फिर देखेंगे इसका डेफिनेशन, फिर इसके टाइप्स में जाएंगे। टाइप्स में हम इसके दोनों टाइप्स की स्टडी करेंगे, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा को। नेक्स्ट नंबर इसकी संरचना को देखेंगे, इसकी संरचना या स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होती है। लास्ट में डील करेंगे इसका सिग्निफिकेंस या महत्व, या फिर इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं वो क्या इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला है कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे देते दे, या इंट्रोडक्शन इसकी परिचय इससे कैसे होती है, इसके सामान्य परिचय, है ना। तो इंट्रोडक्शन होता है इसका माइकोराइजा या फिर कवक मूल। नाम से स्पष्ट है, जब किसी प्रकार का फंगस कुछ हायर प्लांट में या उच्च वर्गीय पौधों में सहजीवी के रूप में रहते हैं, तब क्या बोलते हैं उसको, माइकोराइजा या फिर कवक मूल बोला जाता है। ठीक है, माइकोराइजा को हिंदी में हम लोग कवक मूल बोलते हैं, है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि फंगस इज बाइंड टू हायर प्लांट्स, है ना, फंगस इज बाइंड टू हायर प्लांट्स रूट्स एंड दे आर परफॉर्म टू सिम्बायोटिक फॉर्म। जैसे अभी हमने बात किया कि माइकोराइजा एक ऐसा फंगस होता है, एक ऐसा कवक होती है जो हायर प्लांट या उच्च वर्गीय पौधों के साथ क्या करती है, वो रिलेशन बनाती है, और वो उसी रिलेशन में रहकर सहजीवी के रूप में काम करता है ना। इसमें क्या होती है, जो फंगस होता है ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करा के हायर प्लांट को देती है, और इसके बदले में ये हायर प्लांट से क्या लेता है, न्यूट्रिशन को ले लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल पाइनस और ऑर्किड में देखने को मिलती है। जो पाइनस में जो बैसिडियो माइकोटीना के मेंबर होते हैं वो इसके पाइनस के प्लांट पे रहती है, वैसे ही ऑर्किड जो होती है, जो कि एपिफाइटिक प्लांट होते हैं ऑर्किड, इसके प्लांट में जाइगो माइकोटीना के मेंबर्स होते हैं, वो एसोसिएटेड रहते हैं और सिम्बायोटिक परफॉर्म करते हैं। डेफिनेशन में, ए फंगस विच ग्रो इन एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ ए प्लांट एंड सिम्बायोटिक और मेल्डी पाथ पैथोजेनिक रिलेशनशिप। इसमें पाथ भी पैथोजेनिक, या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार से प्लांट को या फिर होस्ट प्लांट को बिना प्रभावित किए क्या करती है, ये अपने होस्ट प्लांट के साथ में होस्ट प्लांट में रहती है और वो सिम्बायोटिक परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट नंबर इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो जनरली ये टू टाइप्स के होता है। सबसे पहला है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का मतलब ये होता है, एक्टोमाइकोराइजा मीन्स होता है, एक्टो मीन्स बाहर, है ना। इसमें क्या होती है, जो माइसिलियम रहती है, माइसिलियम मीन्स कि फंगस का, है ना, फंगस के जो थ्रेड्स रहते हैं, उसके जो जाल रहती है या उसके नेटवर्क रहते हैं, वो सेल्स के आउटसाइड से जाते हैं, सेल्स के बाहर बाहर जाता है ना, सेल्स के आउटसाइड से जाते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो माइसीलियम होती है सेल्स के बीचों बीच से होता हुआ सेल के अंदर इंटर करता है, या फिर बोल सकते हैं कि एक होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है। इस प्रक्रिया में जनरली ये क्या बनाता है, नेट लाइक संरचना बनाती है, है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हार्मिंग नेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हार्मिंग नेट कहा जाता है एक्टोमाइकोराइजा, है ना। और ये किस में देखने को मिलता है, जनरली पाइनस में देखने को मिलता है और आंख में देखने को मिलता है, है ना, आंख जिसको हम कैरेट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं। इसमें क्या होती है, बैसिडियो माइकोटीना के मेंबर्स होते हैं वो, जो कि पार्टिसिपेट करता है एक्टोमाइकोराइजा परफॉर्मेंस में, है ना, जिसमें बैसिडियो माइकोटीना में भी मेंबर हैं, जैसे एमांटीना और फिगस, है ना, फिगस जो ऐसे जो ये फंगस है, ऐसे बैसिडियो माइकोटीना के मेंबर हैं जो मुख्य रूप से प्लांट पर या फिर होस्ट प्लांट में, अपने होस्ट प्लांट में एक्टोमाइकोराइजा के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और ये सिम्बायोटिक परफॉर्मेंस करते हैं। नेक्स्ट नंबर है एंडोमाइकोराइजा। एंडो मींस होता है अंदर, अंदर कहाँ पे, अंदर सेल्स के अंदर से,
ठीक है। इसमें क्या होता है, इनर जो सेल रहते हैं, है ना, सेल्स रहती है, वो इंटर द सेल्स वेसिकल्स फॉर्मेशन, इसमें क्या होते हैं जो सेल्स रहते हैं, है ना, इसमें जो माइकोराइजा जो होती है ना, माइकोराइजा जो या फिर कवक मूल जो होता है, ये मुख्य रूप से कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स के अंदर से आते हैं। और कैसे, क्या चीज़ फॉर्मेशन करते हैं, वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और उस वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर के कारण से इसको वैम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है वेसिकल्स अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, मतलब कि ऐसा माइकोराइजा जिसमें वेसिकल्स के समान, एयरवेस्कुलर के समान संरचनाएं देखने को मिलती है, इसलिए इसको वैम फंजाई के नाम से भी जाना जाता है एंडोमाइकोराइजा को, ठीक है, क्योंकि इसमें एक वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। वेसिकल्स इज ब्रांच ट्रीज लाइक, है ना, जो इसमें जो वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है वो ब्रांच टी ट्री के समान होती है। इसके अंतर्गत जो फंगस होते हैं ये मुख्य रूप से जाइगोमाइकोटिना के मेंबर होते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है राइजोक्टिना और कॉर्टिकुलम, है ना, ये कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से जाइगोमाइकोटिना के मेंबर आते हैं और ऑर्किड के प्लांट पर क्या करती है, वो अपना सिम्बायोटिक रूप में अपना फंक्शन करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्किड में जो एंडोमाइकोराइजा जो होती है ना, सॉरी, ये एंडोमाइको जो राइजोक्टिना जो होती है इसमें नहीं होता, ये बस बताया गया कि जो जाइगोमाइकोटिना के मेंबर को बताया गया ना, जबकि ऑर्किड में जो एंडोमाइकोराइजा जो होती है इसका जो फंगस होता है अर्माइलेनिया फंगस, है ना, अर्माइलेनिया फंगस होती है जो क्या करती है ऑर्किड के प्लांट में पाया जाता है और वो सिम्बायोटिक रूप में काम करती है, है ना। नेक्स्ट, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ऐसा बताया गया कि इस तरीके से ऐसा इसका स्ट्रक्चर होती है कि इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर या फिर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद में वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट नंबर, इसकी इंटरनल, जब इसके सेक्शन काट के देखते हैं कि किस तरीके से दिखाई देता है, तो यहाँ पर अलग अलग भाग में ये बताया गया है कि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग में एक तो माइकोराइजा को बताया गया है जो कि सेल्स के आउटसाइड से जाते हैं, बट सेकेंड में क्या बताया गया है, एक तो माइकोराइजा, ये तो नेक्स्ट नंबर है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा में क्या है, वो क्या कैसा संरचना बनाती है, वैम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ना, वैम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है वेसिकल्स, और वेसिकल के समान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अर्बेस्कुलर भी है और माइकोराइजा है, कवक मूल है, इसलिए क्या बोला गया है, वैम कहा गया है, वेसिकल एंडोमाइकोराइजा बनाता है ना, एंडोमाइकोराइजा जो कि वैम संरचना का निर्माण करती है। नेक्स्ट नंबर है इसका सिग्निफिकेंस या फिर महत्व है, इसका महत्व क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका महत्व है, मुख्य रूप से सिम्बायोटिक रूप में होते हैं, सिम्बायोटिक सहजीवी के रूप में होते हैं, इसलिए ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में ये काम करते हैं। सबसे अधिक मात्रा में यूज होने वाला भाग है तो ये मुख्य रूप से बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना, बायो फर्टिलाइजर्स है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, है ना, नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, ए सिंगल स्पीसीज कॉलोनाइज 85% लैंड प्लांट्स में जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इंक्रीज जनरली ये क्या होते हैं, इनकी उपस्थिति से प्लांट में फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाती है, ब्रॉड इकोलॉजिकल उसमें एडाप्टेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, जैसे कि डिजर्ट हो गया, आर्टिक हो गया, टेम्परेट हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, जैसे अदर डिफरेंट टाइप्स के जो एडाप्टेशन होते हैं वो उसके लिए प्लांट को क्या कर देता है, कैपेबल कर देता है या फिर उसकी क्षमताओं को इंक्रीज कर देता है। 50% रिडक्शन इन केमिकल फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन, लोअर कार्बन कास्ट इन कंप्रेस्ड ऑफ रूट। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में, तो माइकोराइजा इज हाईली इन्वॉल्वेटेड मेस्टलेटिक एसोसिएटेड बिटवीन सॉइल्स फंजाई एंड प्लांट रूट इन इट इज़ कॉमनली नोन अस रूट फंजाई। जनरली इसका जो फंगस है माइकोराइजा जो होती है मुख्य रूप से रूट में ही प्रेजेंट होता है या फिर रूट पर ही सहजीवी के रूप में काम करती है या फिर उससे जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको रूट फंजाई के नाम से भी जानते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर है दीज एसोसिएशन आर अ मेंबर ऑफ द फंगस किंगडम, जो है ना, जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं कि इसमें जो फंगस होती है मुख्य रूप से बैसिडियोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना के मेंबर्स होते हैं, वो प्लांट के वस्कुलर सिस्टम से वो डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं।
नेक्स्ट नंबर है होस्ट प्लांट रिसेसिव मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स विल द फंगस फोटोसिंथेटिकली डेरिवेटेड कार्बन कंपाउंड फ्रॉम द प्लांट। जनरली ये क्या होती है, कार्बन कंपाउंड से के डेरिवेटेड होते हैं या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं इसको ज़्यादातर यूज़ कराते हैं। तो इस तरीके से ये माइकोराइजा जो माइकोराइजा का टॉपिक होता है वो इन शॉर्ट में बताया गया है। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगर सभी को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।